सो हे गेमर्स, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो फाइनली स्कारफॉल का अपडेट आ चुका है और इस अपडेट में देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें आई हुई हैं। वैसे मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ और कुछ नई चीज़ें हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो चेंज हुई है वो है हमारी लॉबी, पूरी लॉबी चेंज कर दी गई है। और उसके अलावा आप देखते हैं आगे इन्वेंट्री में चल के देखते हैं भाई, कुछ गन वन चेंज हुई है कि नहीं हुई है। इन्वेंट्री में भाई कुछ भी इन्होंने चेंज नहीं किया है, सारी गन्स वही पुरानी है, कोई भी नई गन या गन की स्किन नहीं आई है। पैरासूट में सब स्किन्स बाहर कुछ और भाई, अंदर कुछ और है भाई, क्या मतलब है। कोई भी पैरासूट की स्किन भी नहीं चेंज हुई है। और सिर्फ गाड़ियाँ चेंज हुई हैं, ये 6 गाड़ियाँ, मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूँ तो जाके देख लेना। इस अपडेट में आइसलैंड मैप और पुराना वाला मेयम मैप दोनों हटा दिए गए हैं, सिर्फ मेयम जो नया मैप आया वही बचा हुआ है। तो गेम का साइज ना बढ़े इसलिए इन्होंने पुराने दोनों मैप हटा दिए हैं। ये लोग इस आइसलैंड मैप को नेक्स्ट अपडेट में बोल रहे हैं कि ऐड करने को, तो देखते हैं नेक्स्ट अपडेट में आता है कि नहीं। ग्राफिक्स में शैडो जोड़ दी गई हैं, हाई ग्राफिक्स में अब आपको शैडो दिखाई पड़ेगी ज़मीन में, जो पहले नहीं दिखाई पड़ती थी। और अब मैप की बात ही देखता हूँ, मैप में इन्होंने जो टीम डेथ मैच है वो रैंडम कर दी है, आप अपने मन से चूज़ नहीं कर सकते और सिर्फ ये रैंडमली इनमें से कोई भी गेम आपको खेलना पड़ेगा। और बैटल रॉयल में सिर्फ एक ही मैप है, वो मेयम वाला, बस क्लासिकल और सर्वाइवल दोनों में, बस यही था नया अपडेट जो बकवास था। हम लोग आ चुके गेम के अंदर, तो गेम में कुछ ग्राफिक्स ऐसे दिख रहे हैं, हाई ग्राफिक्स हैं ये पूरे, शैडो वैडो दिख रही है। ग्राफिक्स तो काफ़ी अच्छे बना दिए उन्होंने जिससे कि लैग और होगा गेम। मेन खबर यही थी कि भाई आइसलैंड मैप और मेयम का पुराने वाले मैप दोनों हटा दिए गए, सिर्फ अब गेम में सिर्फ एक मैप बचा हुआ है और एक नया चैट का ऑप्शन आ गया और ग्राफिक्स हाई कर दी गई, ये तीन चीज़ें चेंज हुई हैं गेम में। ऑलराइट गाइस, होप यू गाइस लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।